हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है रिलेटेड टू क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपसे एक वीडियो पहले ही बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कैंसिल हुई तो ऑस्ट्रेलिया को $100 मिलियन का नुकसान फेस करना पड़ सकता है। और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 6 मैचेस खेले जिसमें 5 इंडिया के खिलाफ और 1 मैच जो है अफगानिस्तान के खिलाफ है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी कीन है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सोच रहा है कि जो पांचों के पांचों टेस्ट मैच है वो एक ही वेन्यू पे खेले जाएंगे और ना ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी ना ज़्यादा, और मैच पांच मैच जो है क्लोज डोर्स खेले जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो वेन्यू सेलेक्ट किया वो है एडिलेड ओवल। इसका मतलब है कि पाँच या पाँच टेस्ट मैचेस एक ही ग्राउंड में खेले जाएंगे जिसका नाम है एडिलेड ओवल। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जो है काफ़ी कीन है कि हम इंडिया के खिलाफ ये सीरीज खेलेंगे और ये फुल फ्लैश सीरीज होगी जिसमें मैचेस तो क्लोज डोर्स होंगे लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी होंगे और इंडियन प्लेयर्स भी होंगे क्योंकि ये सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया में ही खेली जाएगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ बतानी थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी कीन है कि जल्दी से क्रिकेट रिज्यूम हो, क्योंकि उनके प्लेयर्स भी और उनका बोर्ड भी काफ़ी फाइनेंशियली पैसे उनके नुकसान हो रहे हैं। और अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी ही हैवी किस्म का लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने BCCI से बात की है कि हम 5 या 5 टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेलेंगे लेकिन मैचेस खेले जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह ही सपोर्ट करते रहे कि मेरे रोज क्रिकेट ओपिनियन क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ हमें चैनल पर आते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।